वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। और स्वागत है आपका अंजनी सुरभि ब्लॉग में। तो मैं सुरभि स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। तो आज का हमारा ब्लॉग नाइट का है और हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि करवा चौथ के एक नाइट पहले क्या क्या बाजार के क्या हाल हैं। तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ, जहाँ जाएंगे आपको अपने साथ लेके जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं मार्केट का क्या हाल है। तो चलिए हम निकल गए हैं घर से बाहर और आपको कराते हैं आगरे के दर्शन। तो आगरा सिटी ही अपने में एक मशहूर है और यहाँ की हर बात ही निराली है। तो इस समय बज रहे हैं रात के 10 और हम निकले हैं आपको आगरे का माहौल क्या है। और बाज़ार वैसे बहुत सा बंद भी हो गया है। इस समय जो हम हैं बेलागंज में हैं, तो बेलागंज से होते हुए हम जा रहे हैं कमला नगर। कमला नगर बहुत ही क्लोज एरिया है। इस समय हम करवा चौथ की एक रात पहले का है और आपके पास जो वीडियो ये आएगा करवा चौथ वाले दिन आएगा। तो यहाँ पर पूरी रौनक है, बहुत ही खूबसूरत से कलश वगैरह सजे हुए हैं और आप यहाँ पर जाएंगे जगह जगह मेहंदी लगी, मतलब बाहर मेहंदी लगाए। देखिए बिल्कुल आप थोड़ी दूर से, दीदी एक हाथ का कितना ले रहे हैं? वहाँ से 200 रुपये। तो हमने इनके प्राइस भी पूछा और यहाँ का जो प्राइस है 200 रुपये एक हाथ का है। दो हाथ का तो आप 400 रुपये, ये क्या है, कोई 500 रुपये ले रहा है। और बहुत ही भीड़ है, आप पूजा करोगी? मतलब लाइन पे लाइन लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर कलश बने हुए हैं, पर हमने फिलहाल नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम हमारे यहाँ जो सबके अपने अपने रिवाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही एक व्रत वगैरह रखा जाता है, पूजा वगैरह की जाती है। और देखिए यहाँ पर लेडीज़ों की काफ़ी भीड़ है, मतलब आपको चेयर, ये हम जो इस समय जो है कमला नगर के चौराहे पे हैं और यहाँ पर आप बिल्कुल चौराहे पे आएंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पर लेडीज़ बिल्कुल नहीं। और इस समय जो टाइम हो रहा है रात के 12:30, देखिए देखिए यहाँ का माहौल इस समय आपको लगेगा नहीं कि 10:30 बजे हैं, 7 बजे हैं। बहुत ही रौनक है यहाँ चलता फिरता, क्योंकि 2 साल से लेडीज़ से नर्सिंग, मतलब पहले अभी करवा चौथ हुआ था 2 साल पहले, इतनी रौनक नहीं थी कोरोना के कारण, कोई एक दूसरे को टच भी नहीं करा था। लेकिन अब तो बिल्कुल बगल में बैठ के ही मेहंदी लगाई जा रही है, लेकिन उसी साल तो घर में ही बैठ के खुद ने मेहंदी जैसे भी हुई है तो या फिर घर में बना के ही कराया है, पर इस तरह का ऐसा माहौल नहीं था। तो इस बार रौनक हुई है, सारे त्यौहार सब बहुत ही अच्छे से बने, आई होप सो आगे भी बहुत ही अच्छे से बने रहें। तो ये कमला नगर का एक लोकप्रिय वाला साड़ी का काफ़ी मशहूर है, इसके ब्रांचेस भी काफ़ी, मतलब हाँ काफ़ी मशहूर है ये साड़ी, इसके अच्छी रहती हैं। और ये है देखिए बिल्कुल यहाँ पर सेफ्टी बिल्कुल है, तो मतलब लोकप्रिय की यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं, ये कमला नगर का एरिया है। तो चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर आप जाएंगे बहुत ही खूबसूरत कलश, मतलब आपको इसमें करवा चौथ पे जो पूजा का सामान मिलेगा आपको। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगरे का क्या माहौल है। तो ये देखिए बिल्कुल आप जाते जा रहे हैं और यहाँ पर जो शॉप वाले हैं उन्होंने ही मतलब मेहंदी का आयोजन, मतलब इस तरह से देखिए बाहरी चेयर लगा के लेडीज़ें बैठी हैं, बिल्कुल अच्छी सुविधा है। और खाने पीने का तो जहाँ भी जाते हैं मैं बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग समाप्त नहीं हुआ है। और
ये देखिए आगे, मतलब आपकी नज़र जहाँ भी जाती है वहाँ पर, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भीड़ है काफ़ी अच्छी, और खूबसूरत से दीपक, मतलब बिल्कुल रौनक है। 2 साल की कसर बिल्कुल निकाली गई है इस बार करवा चौथ के, मतलब रौनक बिल्कुल आ गई। रात के 10:30-11 बज गए हैं इस समय, चलिए चल दिए अब आगे। यहाँ की रौनक तो हमने देख ली और आपको दिखाई, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल जगह नहीं है अभी तो हमारे लिए, तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं। मतलब आए हैं तो कुछ खा पी के तो ज़रूर जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं कि क्या खाया है। यहाँ पर कमला नगर का जो एरिया है फास्ट फूड के लिए काफ़ी फेमस है, तो यहाँ से चलते हैं आगे। और देखिए यहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, देखिए समय कितनी लेने से बैठी हुई है, मेहंदी लगाने का कुछ इंतज़ार कर रही है, किसी के लग चुकी है और कोई अपने घर जा रहा है, तो चलिए आगे हम भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको बाजार का माहौल क्या है इस समय आगरे में। बन जाएंगे, मैं पिलाऊं? खाली हो गया, फेंक दिया, मुझे दिखाओ। घर से बाहर निकले हैं तो कुछ खाना तो बनता ही है, तो क्या हमारी अंजनी को कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है, तो स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक उसकी चल रही है, तो चलिए आगे हम लेके आए हैं फाफड़े। तो यहाँ के अच्छे टेस्टी अच्छा है यहाँ का, तो प्याज वाले फाफड़े। तो अंजनी ने फिलहाल तो पूछ रहे हैं मुझसे कि वो खाएगी या नहीं खाएगी, क्योंकि इसमें मिर्ची है तो वो मिर्ची की चीज़ कम खाती है। मिर्ची बाज़ार में काफ़ी समय हो गया है और इस समय बज गए हैं 11, तो चलिए चलते हैं। अब हमारी अंजनी को आ रही है नींद, तो अब हम निकलेंगे अब घर की ओर, क्योंकि पेट पूजा भी हो गई और बाज़ार भी देख लिया। तो हम आ गए हैं घर और बाज़ार के, हमने आपको रौनक दिखाई, आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और फिलहाल तो हम मेहंदी लगा के नहीं आए हैं, क्योंकि हमारी अंजनी वहाँ पर इतनी लोग भी थे और टाइम हो जाता है, तो और हमारी अंजनी कह रही थी घर चलो घर चलो। तो हमने फिलहाल तो आपको रौनक दिखाई है, तो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और हमारे साथ बने रहिएगा। साथ बने रहने के लिए करना पड़ेगा हमारे चैनल को, करना पड़ेगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट ब्लॉग आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करते हैं डेली ब्लॉग। तो से गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।